हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमें लास्ट पार्ट ऑफ द मोशन चैप्टर थ्योरेटिकल सारा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए नेम इज सेइंग समथिंग। यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है जिसकी रेडियस आर है, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास एम है और लीनियर वेलोसिटी वी है। तो कैसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे? इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म सर्कल इज देयर, मीन सर्कुलर पाथ इज देयर एंड इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दैट पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, तो ऐसे मोशन को हमने बोला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम सपोज पता करना चाहते हैं कि कोई सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस आर है, जिस पर एम मास का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी वी है, तो एक कंप्लीट सर्कल करने में उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो ये स्पीड होगी सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्कल, ओके। तो 2πr सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की, रेडियस जो होगी वो अपॉन टाइम पीरियड। अब एक चीज आपको मेमोराइज करना होगी, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेंस कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? क्योंकि इसकी देखिए एवरी टाइम डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, बट स्पीड डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है बट वेलोसिटी चेंजेस लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड दिस टॉपिक? सो नो नीड टू डिस्कस मोर थिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई थिंक this concept is sufficient for class 9th students. Then also if you are having any queries, so you can ask. Otherwise, okay, we have completed this motion chapter as a theoretically, notes purpose se. Ab numerical part hamara remaining hai, so we will solve numericals in our coming videos. Aur aapke concept ke according mein I will prepare videos. So thank you for watching this video.